बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शाद आबाद होंगे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मीठा। मीठे में मैंने बनाई है खीर, और खीर की रेसिपी मैं आपसे आपको दूंगी, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये मैंने आधा किलो दूध लिया है, आधा किलो दूध की खीर बना रही हूँ मैं। ये मिल्क पाउडर लिया है मैंने आधी प्याली। ये मैंने सफ़ेद इलायची ली है, इसको मैंने हाथ से ही तोड़ लिया है ऐसी रफली। बनेगी खीर। ये मैंने चावल लिए थे और उनको चावलों को मैंने चॉपर में पीस लिया है बिल्कुल बारीक, थोड़ा बारीक पाउडर तो नहीं बनाया, थोड़ा मैंने दरदरा टूट लिया है। आधी पहले चीनी इस्तेमाल करूँगी तो ड्राई फ्रूट्स, और ये लिया है मैंने केवड़ा एसेंस। तो स्टार्ट करती हूँ रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान करीम। देखिए मैं इसमें एक कढ़ाई में दूध डाल रही हूँ और इसको मैं बॉयल आने तक पकाऊँगी। दूध को मैंने बॉयल करना है। आज मैं दिला रही थी न्याज मौला अली की विलादत की खुशी में, तो मीठे में मैंने बनाई है खीर। आप भी अपने घरों में बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा कैसी बनी। दूध मेरा देखिए बॉयल आ गया है दूध में, और अच्छा खासा उबाल हो गया है दूध में। इसको मैं मिक्स कर लूँगी दूध को। और ये चावल है मेरे पास आधी प्याली, इनको मैंने पीस लिया था, इसमें दूध में मिक्स करना है। चलाते रहना है, खड़े होकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि मीठा है बहुत जल्दी लग जाता है। देखें पकते पकते इसको 8 मिनट हो गए हैं, 8 से 10 मिनट, और ये थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। चावल हमारे थोड़े से फूलने लगे हैं। खीर को बहुत एहतियात से पकाना होता है और चमचे चलाते रहना चाहिए, क्योंकि वो लग जाती है। देखें चावल थोड़ा हमारा गलना स्टार्ट हो गया है, तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी इस स्टेज पर चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत कम मीठा सूट नहीं करता। इसमें मैं आधी प्याली चीनी ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दें चीनी। पक रही है, आहिस्ता आहिस्ता पकती जाएगी और गाढ़ी होती जाएगी, इसलिए स्टेज पर मैं सफ़ेद इलायची शामिल कर रही हूँ। इलायची की खुशबू मीठे में बहुत अच्छी लगती है। किनारों से देखें मैं इसको छुड़ा रही हूँ, कोई सा भी बनाए तो खड़े होकर बनाना चाहिए, ये नहीं कि इसको छोड़ दें हम तो फ़ौरन से लगने शुरू हो जाती है। अभी तो ये बहुत पकेगी, थोड़ा सा गुलाबी कलर आने तक। चावल भी हमारे अच्छी तरह से गल के फूल जाएंगे। देखें थोड़ा से हमारी खीर गाढ़ी होने स्टार्ट हुई है और चावल मेरे गले हैं। इसी स्टेज पे मैं इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ आधी प्याली, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसमें लम्स ना आए। अगर आप नए सीखने बनाने वाली हैं तो इसमें थोड़े से पानी मिला के दूध पर लिक्विड भी ऐड कर सकती हैं ताकि लम्स ना पड़े खीर के अंदर। देखें अच्छी तरह से मैं चला रही हूँ ताकि इसमें जो मिल्क पाउडर है खीर में हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आधा घंटा लगता है खीर को पकाने में। इस स्टेज में मैं देखें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, थोड़े से बादाम डाले हैं मैंने, आप पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स। खीर मेरी अच्छी सी गाढ़ी होने लगी है, चावल भी गलने लगा है, और थोड़ा सा देखिए कलर भी चेंज हुआ है खीर का। मगर इसको मैंने इसे अभी 5 मिनट और पकाना है। इसमें इस केवड़ा वाटर शामिल करूँगी, सिर्फ 2 कतरे केवड़ा वाटर के लिए हैं, मैंने 2 बूंदे केवड़ा वाटर डाले हैं इसमें, और इसको पकाते रहेंगे हम थोड़े तेज़ आंच में। और देखें खीर मेरी गाढ़ी हो गई है, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी बनी है, क्रीमी टेस्ट आया है इसका। ये देखें मैं इस तरह से करके आपको चमचे में लेके दिखाती हूँ। ये देखें अच्छी खासी हमारी खीर खड़ी हो गई, कलर भी इसका थोड़ा सा गुलाबीश हो गया है। इसको मैं अब डिश आउट करूँगी, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी बॉल में किसी भी प्याली में कर सकते हैं। मिट्टी की प्यालियों में ही न्याज दिलवाती हूँ खीर की, तो मैं मिट्टी की प्यालियों में ही डिश आउट कर रही हूँ इसे। मज़ेदार खीर मेरी बिल्कुल तैयार है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको मैं गार्निश करूँगी अब ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब अपने पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, मैंने बादाम और पिसे हुए खोपरे से इसको गार्निश किया है।
मेरी खीर बिल्कुल तैयार है। अल्लाह ताला सबके दस्तखानों को हरा भरा रखे, आमीन। और देखें रेसिपी।